हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक टू आवर चैनल द किड्स बोट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नर्सरी इंग्लिश वर्कशीट पार्ट टू। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट फॉर किड्स। फॉर मोर नर्सरी वर्कशीट वीडियो लिंक आई एम प्रोवाइडिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक दैट ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट वर्कशीट एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। छोटे बच्चों को इस तरह की वर्कशीट काफी पसंद आती है और वह इसे इंटरेस्ट के साथ करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द लाइन एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पे कुछ लाइन दिए गए हैं ट्रेसिंग के लिए, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा और साथ ही साथ इन पिक्चर्स को कलर करेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को कलरिंग काफी पसंद होता है और वह इसे इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, बच्चा इन लाइन को ट्रेस किया और इन दोनों पिक्चर को कलर किया। ऐसे ही यहाँ पे लाइन दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं पैटर्न है, तो बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा और इस पिक्चर को कलर करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट, इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों की पेंसिल होल्डिंग और साथ ही साथ कलरिंग बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है, सर्कल द लेटर टी फ्रॉम ट्री। यहाँ पे एक ट्री दिया गया है और इसमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं। बच्चा इन लेटर्स में टी लेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उन्हें सर्कल करेगा। तो जैसे यहाँ पे टी है, बच्चा टी लेटर आइडेंटिफाई किया और उसे सर्कल किया। इसी तरीके यहाँ पे है, टी लेटर बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों की टी लेटर्स के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता है और बच्चा टी लेटर को आइडेंटिफाई करने लगता है। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलर द करेक्ट पिक्चर मैचिंग इट्स बिगिनिंग साउंड। यहाँ पे एक साइड में कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उनके सामने कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। बच्चा इन लेटर्स को रीड करेगा और इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा। जिस पिक्चर्स का बिगिनिंग साउंड लेटर ए है, तो बच्चा उन्हें कलर करेगा। तो यहाँ पे बॉल है, बॉल का बिगिनिंग साउंड क्या है? बी। तो बच्चा इसे कलर नहीं करेगा। एप्पल, एप्पल का बिगिनिंग साउंड क्या है? ए। तो बच्चा इस एप्पल को कलर करेगा। इसी तरीके लेटर एफ, तो यहाँ पे क्या है? फिश। तो फिश का बिगिनिंग साउंड क्या है? एफ। तो बच्चा फिश को कलर करेगा। एंड देन हैट, तो हैट का बिगिनिंग साउंड क्या है? एच। तो बच्चा इस पिक्चर को कलर नहीं करेगा। इसी तरीके है एच, तो पहला पिक्चर क्या है? पेंसिल। तो पेंसिल का बिगिनिंग साउंड क्या है? पी। तो इसे कलर नहीं करेगा। ऐसे नेक्स्ट है हट, तो हट का बिगिनिंग साउंड क्या है? एच। तो बच्चा इसे कलर करेगा। इसी तरीके लेटर यू, तो फर्स्ट पिक्चर है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का बिगिनिंग साउंड क्या है? यू। तो बच्चा इस पिक्चर को कलर करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट है बलून, बलून का बिगिनिंग साउंड क्या है? बी। तो बच्चा इसे कलर नहीं करेगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर। यहाँ पे एक साइड में कुछ पिक्चर दिए गए हैं, बच्चा इन पिक्चर को आइडेंटिफाई करेगा और इस पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर को यहाँ पे राइट करेगा। जैसे पहला पिक्चर क्या है? जग। तो जग का फर्स्ट लेटर क्या है? जे। तो बच्चा यहाँ पे क्या राइट करेगा? लेटर जे। ऐसे नेक्स्ट है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम किस लेटर से स्टार्ट है? आई। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? आई। इसी तरीके नेक्स्ट है ट्री, ट्री का फर्स्ट लेटर क्या है? टी। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? टी। इसी तरीके नेक्स्ट है लीफ, तो लीफ का फर्स्ट लेटर क्या है? एल। तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा? लेटर एल। इस तरीके से बच्चों को लेटर आइडेंटिफिकेशन और साथ ही साथ पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे एक साइड में कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उनके सामने वही लेटर्स दिए गए हैं और इनमें एक लेटर जो है वो ऑड है। बच्चा उस लेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसे सर्कल करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है? लेटर बी। इस लाइन में भी लेटर बी लिखा हुआ है लेकिन एक ऑड है, तो बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। तो इस लाइन में लेटर बी कौन सा ऑड है? ये। तो बच्चा इसे सर्कल करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट है लेटर एफ,
तो बच्चा इसमें लेटर एफ को आइडेंटिफाई करेगा और जो ऑड है बच्चा उसे क्या करेगा, सर्कल। इसी तरीके लेटर पी, तो बच्चा इस लाइन में लेटर पी आइडेंटिफाई करेगा और जो रॉन्ग है बच्चा उसे क्या करेगा, सर्कल। इस तरीके लेटर जी, तो इसमें लेटर जी रॉन्ग है तो बच्चा इसे क्या करेगा, सर्कल। लेटर आर, तो इसमें कौन सा रॉन्ग या फिर आप कह सकते हैं ऑड है तो बच्चा उसे सर्कल करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट है। इस तरीके से बच्चों को लेटर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजिली क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है रीड एंड ट्रेस इट। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, बच्चा इन्हें रीड करेगा और उनके सामने उसी लेटर्स को बच्चा ट्रेस करेगा। तो ये क्या है, लेटर डी, तो बच्चा यहाँ पे लेटर डी को ट्रेस करेगा। नेक्स्ट है आर, तो बच्चा लेटर आर को ट्रेस करेगा। इसी तरीके है लेटर सी, तो यहाँ पे बच्चा लेटर सी को ट्रेस करेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा इस लेटर्स को सही तरीके से ट्रेस न कर पाए, बट आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे बच्चों को लेटर्स की ट्रेसिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को लेटर ट्रेसिंग और लेटर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइन द डॉट्स एंड मेक लेटर्स। यहाँ पे कुछ डॉट्स दिए गए हैं, बच्चा इन डॉट्स को ज्वाइन करके लेटर्स को बनाएगा। जैसे यहाँ पे है तो बच्चा इस डॉट को ज्वाइन करेगा और लेटर ए बनाएगा। ऐसे ही इस डॉट को ज्वाइन करके बच्चा लेटर बी बनाएगा। इसी तरीके सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस तरीके से बच्चा डॉट्स को ज्वाइन करके लेटर्स को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, बच्चा इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके फर्स्ट लेटर्स को यहाँ पे राइट करेगा। जैसे दिस इज लोटस, ये कौन सा पिक्चर है, लोटस। तो लोटस किस लेटर से स्टार्ट है, एल, तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, लेटर एल। इसी तरीके ये क्या है, फिश, तो फिश किस लेटर से स्टार्ट है, एफ, तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, एफ। नेक्स्ट है गुआवा, तो गुआवा किस लेटर से स्टार्ट है, जी, तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, जी। नेक्स्ट पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट किस लेटर से स्टार्ट है, पी, तो बच्चा यहाँ क्या राइट करेगा, लेटर पी। इस तरीके से बच्चों को लेटर आइडेंटिफिकेशन और पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।